नमस्कार दोस्तों, हाईटेक इन्फो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार अपने मोबाइल फोन को आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने टेलीविजन के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये गेम मैं अपने मोबाइल के साथ साथ अपने टेलीविजन में भी खेल पा रहा हूँ। तो इसी प्रकार से अगर आप अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट करते हैं अपने टेलीविजन के साथ, तो आप अपने टेलीविजन में अपनी फोटोज, वीडियोस, आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, आप कोई भी गेम प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने मोबाइल फोन को अपने टेलीविजन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी कभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ढेर सारी दिलचस्प और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप अभी कभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने वीडियो पब्लिश करें, सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल फोन को टेलीविजन के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने टेलीविजन में सेटिंग्स को ओपन करेंगे। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे वायरलेस डिस्प्ले का। तो दोस्तों, अगर आपके टेलीविजन में ये वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप निराश मत होइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना इस वायरलेस डिस्प्ले के ऑप्शन के आप किस प्रकार अपने टेलीविजन को कनेक्ट कर पाएंगे अपने मोबाइल फोन के साथ। तो दोस्तों, फिलहाल मैं बता देता हूं जिनके टेलीविजन में वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन आ रहा है उनको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको इस ऑप्शन को ओपन कर लेना है, जिसका नाम है वायरलेस डिस्प्ले। अब दोस्तों, आपको इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है। वायरलेस डिस्प्ले को ऑन करने के बाद दोस्तों, अब आपको अपने मोबाइल फोन के नोटिफिकेशन में जाना है। मोबाइल के नोटिफिकेशन को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे कास्ट या फिर वायरलेस डिस्प्ले का, आपको इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आप सेटिंग ओपन करेंगे, तो अब आपको अपने टेलीविजन को चूज कर लेना है। जो भी आपका टेलीविजन है उसको आप चूज कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा टेलीविजन हमारे मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपके टेलीविजन में वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं है, तो आपको इस डिवाइस को परचेज कर लेना है। इस डिवाइस का परचेजिंग लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से आप डायरेक्टली इस डिवाइस को परचेज कर सकते हैं। देन दोस्तों, आपको इस डिवाइस को अपने टेलीविजन के HDMI पोर्ट में लगाना है। उसके बाद आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जैसे कि आपको अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन में जाना है और वहां से आपको कास्ट या फिर वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन को ऑन कर लेना है। देन आप अपने डिवाइस को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट कर पाएंगे अपने टेलीविजन के साथ। दैट्स इट दोस्तों, आई होप आज के वीडियो आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके कोई भी सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो के नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप अभी कभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे दिखे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन को अभी कभी दबा देना है। और आप सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सके। तो दोस्तों, नमस्कार।